हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शी। वेलकम टू आवर क्लास टीचिंग एक्सपर्ट 0217। 0217 इट इज़ आवर कोड, सो डोंट फॉरगेट दिस। स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टडी अ लेसन इन इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम योर बिहाई बुक्स एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर, द लिटिल गर्ल। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द लिटिल गर्ल। यहाँ पे एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है जिसका नाम स्केजिया रहता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पेरेंट जो है वो हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उसी तरह से स्टोरी में एक लड़की जो है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है और उसे ये लगता है कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते। बट उसके पापा उससे प्यार करते हैं, बट उसके अच्छे के लिए उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, जैसा कि हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और फाइनली लास्ट में उसे पता चलता है कि उसके पापा उससे प्यार करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ पे जो लिटिल गर्ल है वो कौन है? केजिया है। और ही जो है, ही कौन है? ही उसके पापा हैं। तो वो जो है वो अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा क्या करती है, डरी रहती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। अब हर सुबह जो है उसके पापा, केजिया के पापा ऑफिस जाने से पहले उसके रूम में जाते हैं, उसे एक कैजुअल किस करते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और उसके रिप्लाई में उस केजिया रिप्लाई देती है गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब केजिया जो है वो रिलीफ से मतलब सांस लेती है कि और बोलती है कि उसे लगता है कि उसके पापा अब तो चले गए, कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी अब दूर चले गए, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या रिलीफ फील करती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। अब जैसे ही शाम होती है तो उसके पापा वापस घर आते हैं, तो वो सीढ़ी के पास खड़ी रहती है और वो लाउड वॉइस हॉल में उसको सुनाई देता है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट। अब उसके पापा बोलते हैं कि मेरा चाय जो है वो ड्राइंग रूम में लेके आओ, और क्या पेपर अभी तक तैयार नहीं हुआ है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। अब केजिया के फादर अपनी मदर से बोलते हैं कि मदर ऊपर जाओ और मेरा स्लीपर्स, मेरे पेपर्स लेकर आइए और मेरे स्लीपर्स भी लेकर आइए। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब केजिया की माँ उसको बुलाती है और बोलती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो जाओ अपने पापा के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स मूव स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब वो लड़की जो है वो बहुत डरी रहती है और धीरे 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 सीढ़ी से नीचे उतरती है और वो ड्राइंग रूम में जाती है। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब उस वक्त जो है उसके पापा जो है वो अपना चश्मा अपने चश्मे में रहते हैं, स्पेक्टिकल्स में क्या होता है चश्मा, और उस लड़की को केजिया को देखते हैं, और केजिया ये देखकर क्या होती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। Well, केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। Have you been a good girl today? अब उसके पापा उस बोलते हैं कि चलो केजिया जल्दी करो, ये जो जूते हैं उसे बाहर रखो, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं हो? आई डोंट नो फादर। अब केजिया जो है वो क्या होता है, बहुत डर डर के बोलती है कि मुझे नहीं पता पापा। यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉटर। अब उसके पापा भी उसी आवाज़ में बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह से हकला कर बोलोगी कि तुम, तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वो जो है किसी के साथ इस तरह से हकला के बात नहीं करती थी, बट जब सिर्फ अपने पापा को जब भी वो देखती थी तो इसी तरह से वो वर्ड्स को अच्छे से प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी, मतलब वो हकलाने लगती थी डर से। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। अब उसके पापा बोलते हैं कि क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? मदर आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ
suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. अब केजिया के फादर अपनी मम्मी को बोलते हैं कि माँ, आपने इसे सिखाया नहीं कि कैसे रहा जाता है, ये ऐसा बिहेव करती है जैसा कि कोई सुसाइड करने वाला है। अब वो उसके पापा उसको बोलते हैं कि केजिया जाओ और मेरे लिए चाय का कप लेकर आओ, टेबल तक ध्यान से चाय का कप लेकर आओ। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वेन ही यॉन्ड। अब केजिया जो अपने पापा के बारे में बताती है कि बहुत बड़े हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, गर्दन बहुत बड़ी है, और उसके माउथ भी जब वो जमाई लेते हैं तो उसके माउथ भी बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट। अब जो है वो उस केजिया जब अकेले उनके बारे में सोचती है, अपने पापा के बारे में, तो क्या सोचती है कि वो बहुत बड़े, उनको सब कुछ, उनको जान जैसा दिखता है, मतलब बहुत बड़े दिखते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डॉन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब संडे को जो है हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वीकेंड होता है, तो उसकी ग्रैंड मदर, केजिया ग्रैंड मदर केजिया को भेजती है ड्राइंग रूम में अपने पापा मम्मी के साथ बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। अब यहाँ पे हम जब केजिया जो है वो रूम में जाती है तो वो क्या देखती है कि उसकी मम्मी हमेशा पढ़ने में बिजी रहती है और उसके पापा जो है वो सोफा पे हैंकरचीफ अपने फेस पे रख के और वो खराटे लेते हैं, खराटे लेकर सोते रहते हैं। जैसे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि माँ पढ़ रही है और उसके पापा हैंकरचीफ फेस पर रखे हुए हैं और खराटे लेकर सो रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. अब जो है वो वहाँ पे स्टूल के पास बैठ के उनका वेट करती है कि कब उनके पापा उठेंगे। अब जैसे वो उठते हैं तो वो उसके तरफ देखते हैं, केजिया की तरफ। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown hole. अब जो उसके पापा बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरह से मत घूरो, तुम ऐसा, तुम उल्लू की तरह दिखती हो। One day when she was kept indoors with her cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of the beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन जो है केजिया को केजिया जो ठंड लगी रहती है तो वो घर में रहती है, तो उसकी ग्रैंड मदर उसको एक सजेशन देती है कि तुम एक काम करो, अपने पापा को पापा का बर्थडे आने वाला है तो तुम एक सरप्राइज गिफ्ट पापा को दो, एक पिन कुशन, एक तकिया बनाओ अपने पापा के लिए, अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए, अपने पापा के बर्थडे गिफ्ट के लिए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? अब laboriously मतलब क्या होता है, with a lot of effort or difficulty. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो क्या करती है, three side को, कुशन का थ्री साइड सिल देती है। अब वो सोचती है कि अब उसमें भरे क्या, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब grandmother जो है वो क्या करती है, वो वहाँ नहीं रहती है, अब वो क्या करती है, अपने मदर्स के बेडरूम में जाती है कुछ ढूंढने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस देन स्वीड अप द फोर्थ साइड। अब क्योंकि वो थ्री साइड्स कुशन का सिल चुकी थी, अब वो मम्मी के बेडरूम में जाती है, वो देखती है कि कुछ पेपर्स पड़ा हुआ है, अब उस पेपर को फाड़ देती है, छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और सारे टुकड़े को उस कुशन में डाल देती है, उसका फोर्थ साइड भी वो सिल देती है। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब उसी रात जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ घर से आ रही थी, उसके पापा ने एक स्पीच रेडी किया था जो उसको बोलना था पॉट अथॉरिटी में, जो खो चुका था। रूम्स वर सर्ज, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। अब सारे रूम को सर्च किया गया, खोजा गया, सर्वेंट्स ने पूछा कि क्या किसी ने ये पेपर देखा है। फाइनली उसकी माँ जो है वो केजिया के रूम में जाती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम। आपके उस माँ पूछती है कि केजिया, मुझे लगता है कि क्या तुमने कोई पेपर हमारे रूम में देखा है। ओ यस शी सेड, आई टोर देम फॉर माय सरप्राइज। अब वो बोलती है हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैंने उसे फाड़ दिया है सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम हिज दिस इंस्टेंट। अब